हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार्टिन स्टी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 30 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। तो जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से देखें। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चनों पर। 2021 में मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी के जादूगर की कौन सी जयंती मनाई गई है, यानी अभी जो जयंती मनाई गई है इनकी, वो कौन सी जयंती थी। तो देखिए, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 116वीं जयंती थी। किसकी? मेजर ध्यानचंद की। अब देखिए, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद जो कि थल सेना में थे और इनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इन्हें पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण, देखिए पद्म भूषण, तो पद्म भूषण से इनको कब सम्मानित किया गया? तो सन 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। और ये भारत के लिए, देखिए भारत के लिए 3 गोल्ड मेडल भी जीते थे। तो कब जीते थे? तो देखिए, एक सन 1928 में जीते थे, और एक 1932 में, और एक 1936 में। ठीक है, एक 1936 में, तो याद रखेंगे। अब देखिए, अगर बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? देखिए जन्म, क्योंकि देखिए मेजर ध्यानचंद हैं, इनके ही अस्तित्व में क्या किया जाता है, देखिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, 29 अगस्त को जो मनाया जाता है, इन्हीं के अस्तित्व में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म इनका 29 अगस्त सन 1907 में हुआ था। और यही अगर बात करें कि कहाँ पर हुआ था, तो देखिए इनका जन्म जो हुआ प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश जिले के। अब देखिए बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? तो 3 दिसंबर सन 1979 में, ठीक है, 1979 में, तो याद रखेंगे। और इन्होंने जो अपने पूरे करियर में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में कितने गोल किए थे, ये हॉकी से संबंधित है, भी याद रखेंगे, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इन्होंने कितने गोल किए थे अपने पूरे करियर में? तो देखिए, अब इन्होंने जो गोल किए थे, गोल, ठीक है, तो वो टोटल किए थे 40 गोल। ठीक है, 40 गोल इन्होंने किए थे, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ICICI बैंक के नए MD CEO कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो देखिए, फिर से क्या हुए हैं, संदीप बख्शी जी फिर से बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी अभी क्या थे, संदीप बख्शी जी ही थे, उसके बाद फिर से इनको चुन लिया गया है MD CEO के रूप में। अब देखिए बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। तो देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, शांतिलाल जैन, ये भी हाल ही में अभी बनाए गए थे। तो किस बैंक के ये बनाए गए हैं MD CEO? तो देखिए, इंडियन बैंक के MD CEO शांतिलाल जैन बनाए गए हैं। शशिधर जगतीथन, ये किस बैंक के MD CEO हैं? तो ये देखिए HDFC बैंक के CEO हैं, MD CEO। अगर यही बात करें पद्मजा चंदूरू की, तो ये देखिए इंडियन बैंक के ही थे, लेकिन किनसे? इनसे पहले थे, यानी शांतिलाल जैन से पहले थे, जिन्होंने जिनकी जगह ले ली है अब शांतिलाल जैन। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में शांतिलाल जैन जी बन गए हैं। तो अब देखिए चलते हैं पॉइंट पर, जो हमारा ICICI बैंक है। तो देखिए, ICICI बैंक की अगर बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म देखिए जो हमारा होता है, देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर यही बात करें इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए इसका मुख्यालय वडोदरा में है। ठीक है, वडोदरा में, तो देखिए अब वडोदरा यानी गुजरात भी बोलते हैं, गुजरात। तो अब देखिए, अगर बात करें यही कि CEO कौन बन गए हैं, तो संदीप बख्शी जी बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से ऑप्शन ए को याद रखेंगे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो बन गए हैं। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गूगल ने ही अभी क्या किया है, हाल ही में बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब देखिए बात करते हैं, इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं उनको डिजिटल क्योंकि चल रहा है सब कुछ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के अंतर्गत उनको एजुकेशन मिल सकेगा। अब देखिए,
बात करते हैं कि जो गूगल है इसके बारे में, तो देखिए गूगल की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुआ, तो सन 1998 में इसकी स्थापना हुई। अब यही बात करें कि हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया यूएस में है, ठीक है, यूएसए में। अब देखिए इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन है, तो सुंदर पिचाई जी हैं। अब देखिए इनके फाउंडर कौन है, फाउंडर, ठीक है, संस्थापक, तो ये कौन है, तो देखिए जो पेज सर्जरी है, ठीक है, मतलब लैरी पेज और सर्जरी पेज, सर्जे पेज, ये ही इनके फाउंडर है, लैरी पेज और सर्जे पेज दोनों ही हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नेपाल देश के नए सेना प्रमुख कौन बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रभु राम शर्मा, इनको बना दिया गया है आर्मी इन चीफ, ठीक है, सेना प्रमुख बनाया गया कहाँ का, नेपाल का। अब इनके बारे में देखिए जब बात कर लेते हैं, तो देखिए जो हमारे सेना प्रमुख बने हैं ये अगर बात करें नेपाल की, देखिए नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की राजधानी क्या, काठमांडू है, और वहाँ पर करेंसी क्या चलती है, नेपाली रुपया ही चलती है। अगर नेपाल करें कि किस देश में सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो देखिए किस द्वीप में सिचुएटेड है, तो एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अगर यही बात करें कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो देखिए केपी शर्मा ओली जी हैं, केपी शर्मा ओली, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें प्रेसिडेंट यानी कौन, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो विद्या देवी भंडारी हैं, ठीक है, विद्या देवी भंडारी, अब याद रखेंगे। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8848.86, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला उद्यमिता मंच किस संस्था की पहल है, तो ऑप्शन हमारा देखिए नीति आयोग करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग की ही पहल है। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, देखिए ये जो हमारा नीति आयोग है और एक कंपनी है अमेरिकन की, ठीक है, मतलब अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है सिस्को, क्या नाम है, सिस्को, तो इन दोनों ने भी मिलकर क्या किया, जो कि अमेरिका बेस्ट टेक कंपनी है, ठीक है, सिस्को, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इसको मतलब इस संस्था की पहल की, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या रखा है, इस बार इसका नाम क्या रखा है जो अभी इसको इसकी पहल की गई है, तो देखिए WEP नेक्स्ट, ठीक है, WEP नेक्स्ट इसका ये नाम रखा गया है, तो अब याद रखेंगे इस क्वेश्चन से नीति आयोग को भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो देखिए ऑप्शन हमारा टेक चंद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखिए टेक चंद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके टोक्यो ओलंपिक के बारे में, तो देखिए टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है 2020 में ही होना था, 2020 में ही होना था, बट क्या हुआ, COVID-19 के द्वारा इसको 2021 में आयोजित किया गया, कहाँ पर, तो टोक्यो में यानी जापान में, ठीक है, टोक्यो की राजधानी है जो कि, अब देखिए जो भारत की तरफ से यहाँ पर इसमें टोक्यो और पैरा ओलंपिक में टोटल 54 खिलाड़ी ही भाग लिए थे, ठीक है, और ये जो संस्करण था ये कौन सा संस्करण था, तो ये 16वां संस्करण था, और इसका देखिए इससे पहले जो सबसे पहला आयोजन हुआ था टोक्यो पैरा ओलंपिक का, वो कब हुआ था, तो सन 1960 में हुआ था, कहाँ पर, तो रोम में, ठीक है, रोम यानी इटली की जो कि राजधानी है, ठीक है, अब इसको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि देखिए शुभंकर पूछ लेता है, ठीक है, कि 2020 पैरालंपिक का शुभंकर क्या था, तो सोसाइटी था, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आयोग ने स्वीप परामर्श को आयोजित किया है, तो किस आयोग ने किया है, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग है उसने ही स्वीप परामर्श को लॉन्च किया है। स्वीप परामर्श क्या है, तो देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए सिस्टम वोटर्स एजुकेशन, ठीक है, मतलब जो एजुकेशनल पर्पज़ से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसलिए क्या है, इसका पूरा नाम सिस्टम वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भी। अब यही अगर बात कर ले कि नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना यानी गठन कब हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी जो कि मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, देखिए 25 जनवरी सन 1950 में
इसका गठन हुआ। और इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात कर लें तो कब इसकी कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। अगर यही बात करें कि इनके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष देखिए तो सुशील चंद्र हैं, ठीक है, सुशील चंद्रा। अब देखिए अगर बात करें कि इनके जो पहले मतलब जो अभी कार्यकारिणी पहले कार्यकारिणी मतलब एक प्रकार से अध्यक्ष थे, तो पहले कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, ठीक है। अब इनका अगर बात करें कार्यकाल की, सुकुमार सेन की, तो देखिए अगर सुकुमार सेन के कार्यकाल की बात करें, ठीक है, टाइम पीरियड की, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो देखिए 21 मार्च 1950 से, ठीक है, कब तक था, तो 19 दिसंबर 1958 तक इनका कार्यकाल था। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन से ऑप्शन चुनाव आयोग का, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन से आपका कुछ भी आता है तो आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।